सिलिकॉन वैली के एक लड़के ने किया इतना बड़ा फ्रॉड कि होश उड़ जाएंगे। कीमत इतनी बड़ी कि एक बार में गिनना भी मुमकिन नहीं है। ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने मिलकर एक क्रिप्टो कंपनी शुरू करी और करा 66,600 करोड़ रुपए का फ्रॉड, तकरीबन 8 अरब डॉलर का स्कैम। स्कैम इतना बड़ा कि कई लोग अपना घर बार सब गंवा बैठे और सड़क पर आ गए। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे एक 30 साल के लड़के ने इतना बड़ा फ्रॉड करा और अमेरिका के बड़े बड़े लोगों को भनक भी नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं शुभांश खन्ना और आप देख रहे हैं एबीपी पैसा लाइव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसे क्रिप्टो जगत के इतिहास को बदल कर रख दिया। यहां बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX की, जिसे शुरू करने वाले थे सैम बैंकमैन फ्राइड। इनको हाल ही में अमेरिका की अदालत से 7 मामलों में दोषी पाते हुए 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यहां तक कि जेल से छूटने के बाद भी ये 3 साल सुरक्षा एजेंसी की निगरानी में रहेंगे। सैम का जन्म हुआ था सिलिकॉन वैली में। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक कंपनी में काम किया जो कि उसने थोड़े टाइम बाद छोड़ भी दिया। उस दौरान बिटकॉइन तेजी से बढ़ रहा था। सैम की फाइनेंस में बहुत अच्छी दिलचस्पी भी थी, इसलिए 2017 में सैम ने अलमाजा रिसर्च नाम की एक कंपनी भी शुरू करी। ये कंपनी क्रिप्टो पर काम करती थी, जो एक हेजिंग का काम करती थी ये कंपनी। सैम ने तमाम निवेशकों को इस बात का भरोसा भी दिला दिया कि उसने एक ऐसी रणनीति बना ली है जिससे हर साल 15% का रिटर्न बनता रहेगा और किसी भी साल नुकसान नहीं होगा। सैम ने छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो फॉर्च्यून मैगजीन के कवर पेज पर आ चुका था। इतना ही नहीं, वो फोर्ब्स की रिचेस्ट बिलेनियर्स की लिस्ट में भी जगह बना चुका था। उसकी कंपनी में करीब 25 वेंचर कैपिटल फर्म्स ने पैसा भी लगाया था, लेकिन सैम को अमेरिका कुछ खास रास नहीं आया था। इस बिजनेस में अमेरिका में रहकर सैम को रिटर्न बहुत कम मिल रहे थे, तो उसने अपना बिजनेस हांगकांग में शिफ्ट करने का फैसला किया, जहां उनकी दोस्ती हुई शैन पिंग जाहो से, जो कि बिनांस क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO थे, जिनके साथ मिलकर सैम ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था FTX, जो कि एक तरह का क्रिप्टो एक्सचेंज था जिसपे लोग आकर क्रिप्टो में ट्रेड करते थे। कंपनी में सैम की हिस्सेदारी थी 80% की और जाहो की हिस्सेदारी थी 20% की। दोनों ने वादा भी किया कि भाई क्रिप्टो इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे और एक नई ऊंचाई हासिल करवाएंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इस बिजनेस में ग्रोथ कितनी तगड़ी हो रही थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2022 तक, यानी करीब 4 साल में ही कंपनी $32 बिलियन की हो गई। FTX में सबसे तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली कोरोना काल में, जब लोग घरों में बैठे थे, लोगों के पास कुछ काम ही नहीं था। ऐसे में लोग हर उस तरीके की तरफ आकर्षित हो रहे थे जहां से कुछ पैसा बन सके। उस दौरान क्रिप्टो तेजी से बढ़ भी रहा था और लोग उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। सैम ने FTX का खूब प्रचार प्रसार किया, सेलिब्रिटीज से विज्ञापन करवाए जिससे अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो सके। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत तो आता ही है। कुछ ऐसा ही हुआ सैम के साथ भी, क्योंकि पैसा जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी उड़ भी जाता है। फिर आया मई 2021, जब FTX को एक लाइसेंस चाहिए था गिब्राल्टार में एक नई सब्सिडी फाइल करने के लिए, जिसकी बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट थी कि कंपनी के जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की डिटेल्स चाहिए। सैम ने बिनांस टीम को मेल करा, नो रिस्पॉन्स। लॉयर्स ने रीच आउट करा, नो रिस्पॉन्स। फिर जुलाई एंड तक सैम इरिटेट हो गया। उन्होंने फैसला लिया कि जो $100 मिलियन का 20% स्टेक जाहो के पास था वो उसे वापस खरीदेंगे $2 बिलियन में। अब सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट पे कैसे होगा, तो वो होना था FTT टोकन से, जिसकी कहानी थोड़ी अलग थी। हुआ ये कि FTX तेजी से बढ़ रहा था और फिर सैम ने FTT टोकन की शुरुआत करने का फैसला किया। सैम का जिंदगी का ये कदम सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सैम ने कहा कि उसकी कंपनी जितना रेवेन्यू हासिल करेगी वो FTT टोकन में डाल देगी,
जिससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। लोगों से भी इसमें पैसा लगाने के लिए कहा गया। ये भी ऑफर दिया गया कि इसमें कमीशन बहुत ही कम रहेगी। फिर सैम ने यह फैसला लिया कि वो ज़ाहो की ये पेमेंट पार्शियली एफटीटी टोकन्स के थ्रू करेंगे। अब उनकी एक कंपनी जो पहले बनी थी अलमीडा रिसर्च, जो क्रिप्टो को खरीदती बेचती थी, और दूसरी कंपनी जो कि एक एक्सचेंज था क्रिप्टो में ही ट्रेड करने का, एफटीएक्स ने अपने क्लाइंट्स को कहा कि जो लोग उसके कॉइन्स एफटीटी में निवेश करेंगे उनको प्लेटफॉर्म पर खास बोनस और प्रेफरेंस मिलेंगे, यानी लॉलीपॉप दिखाई। अब आप सोच के देखिए कि एक प्लेटफॉर्म खुद ही अपनी कंपनी के कॉइन्स को खरीद रहा था और लोगों से खरीदवा भी रहा था, जिसके चलते एफटीटी कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी, और कुछ टाइम बाद तो एफटीटी का प्राइस आसमान छूने लगा। अब इससे ट्विस्ट तब आया जब सैम की पहली कंपनी अलामिडा रिसर्च, जिसके पास पहले से ही एफटीटी के बहुत सारे कॉइन्स थे जो उन्होंने बहुत ही सस्ते दामों में खरीदे थे, जैसे जैसे कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती गई अलामिडा रिसर्च बुक्स पे बहुत रिच होती गई, बिकॉज उसके एसेट मजबूत हो रहे थे। तो अलामिडा रिसर्च ने सोचा कि वो अब अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मार्केट से लोन उठा ले, जिसके चलते उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास एफटीटी कॉइन्स के कोलैटरल रखने का ऑफर रखा, जो कि ऑब्वियसली रीजन से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी हो क्रिप्टो कॉइन्स को तो कोलैटरल में नहीं रख सकती ना। तो एफटीटी ने अपने कस्टमर्स को डबल क्रॉस करते हुए उनके पैसे निकाल के अलामिडा रिसर्च के अकाउंट में डाल दिए। सैम ने सोचा कि जब भाई पैसा डबल हो जाएगा तो वापस रख देंगे अकाउंट में। जैसे ही सैम ने अपने प्लान पर अमल किया, उसी टाइम उनके साथ एक खेल हो गया। आपको याद है मैंने बताया था कि बिनांस के फाउंडर ज़ाहो के पास भी तो 20% था। जैसे ही ज़ाहो ने अपने हिस्से के 20% कॉइन्स को बेचना शुरू करा, मार्केट में एफटीटी कॉइन्स की वैल्यू क्रैश हो गई। विद इन 72 आवर्स $6 बिलियन के एफटीटी कॉइन्स मार्केट में फ्लोट हो गए। इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब कॉइन्स बिके तो मार्केट तो क्रैश हो ही गया। इन्वेस्टर्स परेशान होकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करने लगे ताकि सेफ एग्जिट ले सकें, लेकिन वहाँ तो पैसा था ही नहीं क्योंकि वो पैसा सैम ने निकाल लिया था। लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी अपना पैसा निकालने लगे, लेकिन कंपनी के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो सबको दे सके। कुछ ही दिनों में सैम ने खुद ही सामने आकर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद वायर फ्रॉड, कमोडिटी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई फ्रॉड के आरोप लगे। सैम के खिलाफ जांच भी हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला चलाया गया। लेकिन आपने कभी सोचा कि कभी ऐसा फ्रॉड इंडिया में क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल जैसे रेगुलेटर्स हैं जो ऐसा होने ही नहीं देंगे, जिनकी नज़र हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस पे होती है। आपको हमारी रिसर्च और रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।